स्वागत है मिस्टर टाइगर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है वैस और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, पिछली लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैंने बताया था कि मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करते हैं और उसको सेटअप कैसे करना है। ये सारे टॉपिक हैं मैंने लास्ट वीडियो में कवर किए थे और उसके बाद का ये सेकेंड पार्ट है। इसमें मैं बताऊंगा कि मोबाइल से ही वीडियो कैसे अपलोड करना है और थंबनेल कैसे बनाना है, बिल्कुल प्रोफेशनल वाला थंबनेल और प्रोफेशनल तरीके से कैसे वीडियो को अपलोड करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमें बहुत ज़्यादा व्यूज नहीं मिले थे, लेकिन कमेंट जितने भी थे सारे अच्छे कमेंट्स थे। तो आपका अच्छा कमेंट करने के लिए, आपका सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आपको अपने चैनल पर फर्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करें अपलोड वीडियो, या फिर ऊपर टॉप पर देख पा रहे हैं यहाँ पर प्लस का साइन है और वीडियो का सिंबल है, आप उस पर क्लिक करके अपलोड वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ अपलोड वीडियो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर सिलेक्ट अ फाइल, एक फाइल को सिलेक्ट करना होगा तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से एक फाइल सिलेक्ट कर लेंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे। मैंने एक वीडियो बना कर रखा है आपके लिए, रिकॉर्ड किया था, तो चलिए मैं इसको जो है सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर ये वीडियो जो है अपलोड होने के लिए रेडी हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वीडियो अपलोड होना शुरू हो गया है। अभी हमें इसमें क्या क्या करना है, इसमें बहुत सारे जो है स्टेप्स लेने हैं आपको, वो मैं आपको वन बाय वन करके बताऊँगा। सबसे पहले आप यहाँ पर इसका टाइटल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक टाइटल दे देता हूँ अच्छा सा। टाइटल पर क्लिक करके आपको इस टाइटल को क्लियर कर देना है और यहाँ पर एक अच्छा सा टाइटल दे देना है। तो दोस्तों मैंने एक टाइटल दे दिया है। टाइटल देने के बाद दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों क्या लिखना है आपको, डिस्क्रिप्शन में जो आपने वीडियो बनाया है उस वीडियो के बारे में ही आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा। मैंने यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, आप यहाँ पर कोई अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखिए और फिर उसको क्या है, आप डिस्क्रिप्शन को ऐसा लिखिए ताकि क्या है जो कीवर्ड्स होते हैं, लोग जो हमारा यूट्यूब पर सर्च करते हैं, जैसे हाउ टू अपलोड ए वीडियो, तो उसको हम आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कीजिए, टाइटल में मेंशन कीजिए और टैग्स में भी मेंशन कीजिए, ठीक है। टैग क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। वो इसलिए मेंशन करना है क्योंकि अगर कोई ऐसा सर्च करेगा तो ये कीवर्ड्स अगर आपके टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, टैग्स में होगा तो आपका वीडियो जो है सर्च हिस्ट्री में सबसे पहले आने के चांस ज़्यादा हैं। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा कुछ लिखें ताकि सर्च हिस्ट्री में आए और हमारा वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ मिले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, यहाँ पर हमें थंबनेल लगाना है, ओके। तो चलिए ये मेरा कम्प्लीट हो गया है। इसको कम्प्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर एक अच्छा सा थंबनेल लगाना है, ओके। हमें थंबनेल पर क्लिक करना है इस तरह से, हमें थंबनेल पर। अभी क्या है एक्चुअल में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये थंबनेल हम नहीं लगा सकते, पता है क्यों, क्योंकि अभी हम फर्स्ट टाइम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करने के लिए हमें थंबनेल लगाने के लिए हमें अपने चैनल को पहले वेरीफाई करना पड़ेगा, और वेरीफाई कैसे करना है जो कि हमने नहीं किया था। तो अभी हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिख के आ रहा है वेरीफाई, तो वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। आपको इस तरह का जो है इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। आप अपनी यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट है और आप इसमें से दो में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉल पे ओटीपी चाहते हैं या फिर टेक्स्ट पे, तो हम ठीक है वेरिफिकेशन कोड टेक्स्ट पे चाहेंगे, तो यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड के लिए टेक्स्ट ले लिया और अपना नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है आपको। जैसा कि दोस्तों मैंने नंबर एंटर कर दिया है और मेरे फ़ोन में जो है ओटीपी आ गया है, तो चलिए मैं उस ओटीपी को, वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ये एंटर करने के बाद हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस योर यूट्यूब चैनल इज नाउ वेरीफाइड। अभी हमारा यूट्यूब चैनल जो है वेरीफाई हो चुका है। अब हमें क्या करना है, तो चलिए इसको बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पर चले आना है दोबारा से। दोबारा से आने के बाद दोस्तों अब हम जो है अपनी थंबनेल को लगा सकेंगे। यहाँ पर अब हमें एलओपी क्लिक करना है मीडिया को, क्योंकि हमें मीडिया
यहाँ पर लेना है कोई भी। तो थंबनेल लगाने के लिए दोस्तों, अभी तो मैंने आपको बताया नहीं थंबनेल कैसे लगाना, ये बनाना है। पहले हम थंबनेल को पहले बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर थंबनेल लगाएंगे। ओके, तो चलिए इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इंस्टॉल कर लीजिए। लोगोपिट प्लस अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई और एप्लीकेशन यूज करते हैं तो ठीक है, वो एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं। तो आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ओपन करने के बाद इसको क्रिएट न्यू करना है और यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ब्लैंक सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह का आपका जो है ये इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें आप अपने हिसाब से जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। कुछ अगर इसमें फोटो लगाना है या फिर कोई भी PNG फाइल या फिर कोई लोगो वगैरह एंटर करना है, इंसर्ट करना है, तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें एक फोटो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है और गैलरी पे जाना है। एंड देन चलिए मैं यहाँ पर ये वाला पिक्चर जो है इसमें ऐड कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये ऐड करने के बाद आप जो है इसको ओके करते रहिए और फिर हमें यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखना है। ओके, तो दोस्तों पिक्चर ऐड करने के बाद आपको जो है यहाँ पर कोई एक अच्छा सा टेक्स्ट ऐड करना है, अपने हिसाब से कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। आप भी अपने हिसाब से थंबनेल में कुछ अट्रैक्टिव लिखिए ताकि जो है लोग देखते ही क्लिक करते हैं। इस तरह से आप लिखेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। तो हमें इसे सेटिंग करना होगा, ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। आप जो है थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लीजिए खुद, क्योंकि अगर मैं बताऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एक दो बार ट्राई करेंगे तो आप जो है अच्छा सा थंबनेल बना पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इसको एडिट करने के बाद आप जो है कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप इसमें जो है फिर आप अगर बोल्ड करना चाहें तो इसको बोल्ड कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसा ले सकते हैं इसे। फिर आपको यहाँ पर टिक मार्क पे क्लिक करना है, उसके बाद आप इसको जो है इस तरह से सेट कर सकते हैं। और जितनी भी सेटिंग्स हैं आप देख लीजिए, अगर इसका कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे तो इसको जो है एक एंगल पर घुमा सकते हैं, इसको साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 3D वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। अभी हम इसको जो है फिर टिक मार्क पे क्लिक करेंगे। अगर आपको इसको थोड़ा सा इंक्लाइन करना है, घुमाना है, इस तरह का करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप रहने दीजिए। और फिर ये वाला ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको क्या करना है, इसके जो टेक्स्ट है टेक्स्ट के चारों तरफ का जो है बाउंड्री कलर बढ़ाना है, तो इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं। और उस कलर को आप चाहे वाइट लेना चाहें वाइट ले सकते हैं, रेड लेना चाहें तो रेड ले सकते हैं। तो चलिए मैं ब्लैक रहने देता हूँ और इस तरह से इसको जो है इस तरह से हम यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक टेक्स्ट ऐड हो गया। ऐसे आप बहुत सारे टेक्स्ट पिक्चर्स सब ऐड कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंगली, जो आपको पसंद लगे। और थंबनेल कुछ ऐसा अट्रैक्टिव बनाइए ताकि लोग पहली बार में देखते ही आपका जो है आपके थंबनेल पर क्लिक करके आपका वीडियो वॉच कर लें। शायद वीडियो अपलोड हो चुका है, हमारा वीडियो तो अपलोड हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, देखो हमने टाइटल लिख लिया, डिस्क्रिप्शन लिख लिया और थंबनेल लगाना है आप, ठीक है। अभी जो हमने थंबनेल बनाया है वो थंबनेल आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये जो है थंबनेल, यही थंबनेल हमने बनाया था, ये थंबनेल जो है लग चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से आप इस वीडियो को कौन सी प्लेलिस्ट, कौन सी कैटेगरी में डालना चाहेंगे, तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो क्रिएट प्लेलिस्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको टाइटल लिख देना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा है YouTube टिप्स, तो हम YouTube टिप्स लिख देते हैं। क्रिएट पर क्लिक कर देना है और ये जो प्लेलिस्ट है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपको इसको सेलेक्ट करके डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, आपकी प्लेलिस्ट क्रिएट हो गई है। और नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट पे यहाँ पर आपको जो है यस और नो किस लिए करना है। एक्चुअली में अगर आपका ये वीडियो किड्स के लिए है तब आप यस करेंगे, अगर आपका वीडियो किड्स के लिए नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। अगर आप यस करेंगे तो आपके जो है चैनल पर एड्स जो हैं किड्स वाले आएंगे, मतलब एड थोड़े से कम आएंगे, ठीक है। और फिर नीचे आएंगे, नीचे बाकी सारी सेटिंग्स ऐसे रहने दीजिए और मोर पे करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर टैग हैं वो एंटर करेंगे। टैग के लिए आपको 500 कैरेक्टर्स दिए गए हैं, तो आप इसको पूरा फ़ायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा टैग लिखिए यहाँ पर। तो चलिए मैं जैसे लिख देता हूँ, हाउ टू अपलोड ए वीडियो
ऑन यूट्यूब, ठीक है, ये एक टैग हो गया। इस तरह से आप अपने हिसाब से टैग्स लिख दीजिए। ये टैग वो होते हैं जो लोग यूट्यूब के सर्च बार में सर्च करते हैं, तो कुछ ऐसा मिलता जुलता लिखिए जो लोग सर्च करते हैं, तभी आपका जो है वीडियो रैंक करने में आसानी होगी, और सर्च करेंगे तो आपका सर्च हिस्ट्री में भी आने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह के आप टैग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर टैग लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, हमारा ये जो टैग है, टैग हमने लिख दिया है, और फिर आप यहाँ पर वीडियो की लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो लैंग्वेज चूज़ करने के बाद आप रिकॉर्डिंग डेट, जिस दिन रिकॉर्ड किया है वो, अगर आप लोकेशन लगाना चाहें तो लोकेशन लगा सकते हैं, और ये स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। अभी आप जो है ये कौन सी कैटेगरी में है, पीपल ब्लॉग कौन सा है, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका चैनल किसी म्यूज़िक या स्पोर्ट या फिर गेमिंग से रिलेटेड है तो वो सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ अगर आपका ये टेक का है तो आप ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फिनिश्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, वीडियो अपलोड होता है, अपलोड होने के बाद ये प्रोसेसिंग होती है, और वो फिर उसके बाद जो है आपको वीडियो रेडी हो जाता है पब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिटेल्स, तीन स्टेप्स हैं, डिटेल्स, वीडियो एलिमेंट्स और विजिबिलिटी। जब आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आ जाएगा, वीडियो मोनिटाइजेशन, ठीक है, मोनिटाइजेशन, तो आप उसको मोनिटाइज कर पाएंगे। अभी मोनिटाइजेशन का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो आपको जो है ऐसे तीन स्टेप्स कंप्लीट करना होगा। अभी आपको ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आप जैसा कि देखते हैं लास्ट में जो कार्ड आते हैं, आई जो बटन आता है ना, आप यहाँ से कार्ड ऐड कर सकते हैं, अपनी वीडियो के कहीं भी कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है ऐड एंड स्क्रीन। एंड स्क्रीन क्या होता है, जो लास्ट वीडियो ख़त्म होती है उसके बाद जो एंड स्क्रीन में कुछ वीडियोस होती हैं वो दिखाते हैं कि कौन सा वीडियो आप प्ले करना चाहें, तो उसमें से और भी वीडियोस जो आते हैं वहाँ से आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास और वीडियोस होंगी तो यहाँ पर इसको ऐड पर क्लिक करके वीडियो को ऐड लगा सकते हैं, ऐड कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसे नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये लास्ट ऑप्शन है हमारा, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सेव और पब्लिश, प्राइवेट अनलिस्टेड पब्लिक, तो आपको पब्लिक में करना होगा। अगर आप प्राइवेट करते हैं तो ये सिर्फ वीडियो आप ही देख पाएंगे, प्राइवेट सिर्फ आपके लिए रहेगा, और पब्लिक के लिए करेंगे तो आप ये वीडियो जो है हर कोई वॉच कर पाएगा, ठीक है। तो हम इसको पब्लिक पर क्लिक करके आपको सीधा यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक कर देना है, तो चलिए हम यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक कर देते हैं, और जो आपका वीडियो है वो पब्लिश हो चुका है, जैसे कि आप देख पाए वीडियो पब्लिश्ड, ठीक है। तो चलिए इसको क्लोज कर देते हैं, और जो वीडियो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका जो है वीडियो आ चुका है, और यहाँ पर विजिबिलिटी और कौन सी डेट को किया है, और व्यूज़, कमेंट्स और लाइक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपने चैनल पर चले जाते हैं, योर चैनल, तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारा वीडियो जो है एक सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो इसी तरह से आपको अपने सारे वीडियोस को जो है अपलोड करना है, और इस तरह से जो है आप अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपको कुछ भी सुझाव हो या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो, तो आप जो है हमारे इस वीडियो को जो है इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए।